मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। लोकसभा हो या विधानसभा या फिर मुखिया का चुनाव, मंडल डैम हर चुनाव का केंद्र बिंदु रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले 5 जनवरी को पीएम मोदी ने डाल्टनगंज से नॉर्थ कोयल मंडल डैम परियोजना के अधूरे काम का शिलान्यास किया था। अब समय विधानसभा चुनाव का है। मंडल डैम को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। एक तरफ जहां बीजेपी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंडल डैम में तेज गति से हो रहे काम को उपलब्धि बताई, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री केन त्रिपाठी मंडल डैम की सच्चाई जानने डैम पर ही पहुंच गए और फिर शुरू हो गई वार पलटवार की राजनीति। मंडल डैम जो 47 साल से रुका पड़ा था, रघुवर दास जी के इनिशिएटिव पर, हमारे सांसद महोदय के इनिशिएटिव पर प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास किया और उसका काम तीव्र गति से चल रहा है, उसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहूँ। मैंने चुनौती दी थी जेपी नड्डा जी को और रघुवर दास जी को कि माननीय मुख्यमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के, आप मंडल डैम चलिए, हम वहाँ दिखा दीजिए, यदि एक ईंट भी लगी होगी तो आप जो कहिएगा हम मानेंगे। डैम का काम तो शुरू नहीं हुआ लेकिन राजनीति जरूर शुरू हो गई। ऐसे में गरीबी और उपेक्षा झेल रहे मंडल डैम के लोगों को ना तो सरकारी सुविधा मिली और ना ही स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क जैसी सुविधा। मंडल डैम के शिलान्यास से ग्रामीण जितने खुश थे, धीरे धीरे उससे भी ज्यादा मायूस होते जा रहे हैं। 5 जनवरी को प्रधानमंत्री ऑनलाइन उद्घाटन किए डाल्टनगंज में, डैम खुल जाएगा। हम लोग आकर रह रहे हैं, देख रहे हैं, कुछ हुआ नहीं अभी तक, हम लोग खाए बिना मर रहे हैं। 47 सालों से अधूरा मंडल डैम बना तो वीर नीलाम्बर पीताम्बर के गाँव चेमू सान्या समेत अन्य गाँव जलमग्न हो जाएंगे। डूब क्षेत्र के गांव के लोग उचित मुआवजा और हक की मांग को लेकर आंदोलन पर भी उतारू हैं। डूब क्षेत्र के ग्रामीणों ने उचित हक नहीं मिलने पर नाराजगी दिखाते हुए डैम पर लिख दिया है, हक नहीं मिला तो जान दे देंगे, जमीन नहीं देंगे, उचित मुआवजा और नौकरी देना पड़ेगा। जब डैम बन जाएगा तो खत्म हो जाएंगे, क्या स्थिति रहेगा, डूब के मरिए ना जाएंगे। जब डैम बनेगा तो जमीन के बदला जमीन, गरीब का मांग यही है। सच्चाई ये भी है कि जिस मंडल डैम के कारण पलामू के गांव डूबेंगे, पलामू टाइगर रिजर्व के 4 लाख पेड़ कटेंगे, उस पलामू की 17% इलाका ही सिंचित होगी, जबकि बिहार को इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। ऐसे में पुराने मसौदे को स्थगित कर नया स्वरूप देने की भी मांग की गई है। स्वरूप नहीं बदलने की स्थिति में डैम निर्माण का भी भारी विरोध है। मंडल डैम शुरू हुआ कि नहीं, शुरू भी हो जाता तो मंडल डैम के पानी तो पलामू के लोगों को मिलता ही नहीं, कितना है वो तो देखे ना, 17% यहाँ के हिस्सा मिलेगा, बाकी तो सब बिहार को चला जाएगा, तो क्या लाभ है यहाँ के लोग। अरे यहाँ के लोग उजड़ेंगे, यहाँ के लोग बेघर बार होंगे, पानी यहाँ के लोगों को नहीं मिलेगा तो कैसे काम चलेगा। सरकार को सुनिश्चित करनी चाहिए कि मंडल डैम बने तो उस डैम की पानी 100% पलामू के लोगों को मिले, इसके सुनिश्चित करनी चाहिए। 1972 में शुरू हुई मंडल डैम परियोजना 47 साल बीत जाने के बाद भी अधूरी है। 80 करोड़ की योजना आज 2400 करोड़ की योजना बन गई, 769 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। प्रधानमंत्री के हाथों शिलान्यास के 8 महीने बीत गए लेकिन स्वरूप वही जो 1993 में था, परिणाम सिफर है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम में विश्वसनीयता पर भी बड़ा सवाल उठना लाजमी है। पलामू से कैमरा पर्सन नवल के साथ श्रवण सोनी की रिपोर्ट।